हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्टडी फॉर यू। दिस इज बेबी एंड पी आर लर्निंग कोरल ड्रॉ और किरल ड्रॉ की वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे टूल्स मेनू के बारे में। टूल्स मेनू में ज़्यादा कुछ तो नहीं है बताने के लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ टूल्स मेनू में, तो सबसे पहले आपको मिल जाता है ऑप्शन। ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन पर, ऑप्शन पर आप जब नए पहली बार ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ये दिखेगा। तो यहाँ पर आपको वर्क स्पेस मिल जाता है, वर्क स्पेस X6 डिफॉल्ट है, तो ये तो डिफॉल्ट होता है। और इसके बाद अगर हम लोग करें जैसे अडोब इलस्ट्रेटर, मान के चलिए अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर भी यूज करते हैं तो आपको ये थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होगी। तो आप यहाँ पर टिक करें, इसको टिक करने के बाद यहाँ पर जो वर्क स्पेस है ये चेंज हो जाएगा, अडोब इलस्ट्रेटर की तरह थोड़ा सा सिमिलर हो जाएगा। वैसे इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये वर्क स्पेस जो है पूरा का पूरा वर्क स्पेस को ही ये चेंज कर देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग से एकदम से अलग आ रहा है चेंज करने के लिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी सेम आ रही है। तो इस तरह से अगर हम ओके करें, अब ओके करने के बाद ऑप्शन तो सेम उसी तरह रहेंगे, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहले अलग ही तरह से आ रहा था। यहाँ पर टेक्स्ट के लिए अलग आ रहा है और आउटलाइन के लिए अलग आ रहा है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे होंगे एकदम से अलग आ रही हैं। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये टूल्स व्यू तो चेंज हुआ ही हुआ है, और साथ ही साथ अगर हम लोग फाइल एडिट व्यू की बात करें तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस मिल जाएगा। फाइल तो सेम मिलेगा, लेकिन अगर मैं एडिट पर आऊँ तो एडिट पर आने के बाद यहाँ पर आपको अलग मिल रहा है। और भी अगर मैं आता हूँ तो देखो टेबल आ रहा है, बिटमैप टेक्स्ट में भी अलग आ रहा है, अरेंज में अलग चेंज हो जाता है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन भी अलग मिल जाते हैं। बिटमैप है, बिटमैप के बाद टेबल है, टेबल के बाद यहाँ पर व्यू मिलेगा हमें, व्यू उसमें पहले मिलता है इसमें बाद में, और विंडो मिलेगा, और विंडो के बाद यहाँ पर जो हम लोग टूल्स मेनू अभी सीख रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर शो नहीं करेगा। और अगर इसको हमें देखना है तो यहाँ पर हमें आना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो फाइल है, उसके बाद एडिट, एडिट में आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन में। और अगर इसका अगर जब आप कोरल ड्रो अगर यूज करते हैं तो इसका शॉर्टकट Ctrl+J होता है, लेकिन अगर आप लोग अडोब इलस्ट्रेटर का वर्क स्पेस यूज करते हैं तो इसका ऑप्शन होता है Ctrl+K। तो अगर आप लोग Ctrl+K करेंगे तो ये ओपन होगा, और Ctrl+K से X6 जो कोरल ड्रो X6 है उसमें हम लोग ब्रेक आ पार्ट के लिए यूज करते थे। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद ये वापस से हमें उसी सेटिंग्स में ले आएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, वेट करने के बाद ये वापस हमें उसी सेटिंग्स में ले आएगा। सो गाइस, आप देख रहे होंगे कि ये चेंज हो चुका है, वापस से हम उसी में आ चुके हैं, फाइल एडिट व्यू, और ये हमारा टूल्स भी आ चुका है। अगर मैं ओके करूं, ओके करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये हो जाने दीजिए। और उसके बाद अगर मैं टूल्स में आऊँगा तो टूल्स में आने के बाद अब आपको जो है देखो यहाँ पर भी चेंज होकर के आ रहा है सेम वैसे जो हमारा था, और फाइल एडिट व्यू भी आ रहा है। देखो फाइल एडिट व्यू, व्यू यहाँ पर आ रहा है लेकिन उसमें हमें यहाँ पर व्यू मिल रहा। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप शॉर्टकट भी देख रहे होंगे, इसका शॉर्टकट Ctrl+J वापस हो चुका है, और भी आप जितने शॉर्टकट हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्लस क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन। जनरल, जनरल में आप जनरल सेटिंग्स कर सकते हैं जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो उस समय जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले आपको क्या दिखे। तो जब आप कोरल ड्रॉ ओपन करते होंगे तो आपको हो सकता है कि स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट ना दिखे या फिर और कुछ दिखे, वेलकम स्क्रीन भी दिख सकती है और कुछ भी। तो यहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं कि जब मैं कोरल ड्रॉ स्टार्ट करूँ, जैसे अभी अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी क्लोज करने के बाद मैं इसको नो कर देता हूँ, और अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद अभी आप देखेंगे कि कोरल ड्रॉ में सबसे पहले जो आता है देखो ये आ गया है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये ओपन करने के लिए आता है। अगर हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग टेक्स्ट पर आएँ, कस्टोमाइज करें, और कस्टोमाइज के बाद यहाँ पर आते हैं, जैसे वर्क स्पेस को मैं ओपन कर लेता हूँ, जनरल में आएंगे, यहाँ पर से हम लोग कर देते हैं वेलकम स्क्रीन। जब ये ओपन करें हम लोग तो वेलकम स्क्रीन आए, मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद अभी आप देखेंगे कि इसमें हमें वेलकम स्क्रीन दिखेगी।
तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें वेलकम स्क्रीन दिख रही है। वेलकम स्क्रीन हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ओपन रिसेंट, वैसे आप जब कूलर ड्रो इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जब आप यूज करेंगे नया नया, तो आपको इसी तरह से ये दिखेगा। उसके बाद आप इसको अगर न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, तब फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो मैंने सेटिंग कर रखी है वो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट की ही कर रखी है, तो इसलिए मुझे ये दिखता है। और इसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ वापस से, तो वापस से आने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको चाहिए। नथिंग करेंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मिल जाता है अनडू लेबल। अनडू लेबल क्या होता है, वैसे मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, केवल मैं ये बताता हूँ कि ये क्या करता है कि कोई भी आप सेव करते हैं तो ये अनडू कितने स्टेप तक अनडू हो। यहाँ पर अभी दिया है 50 स्टेप, तो 50 स्टेप तक हम लोग अनडू इसको कर सकते हैं। और बिट मैप इफेक्ट कोई दिया है तो वो 2 तक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई बिट मैप इफेक्ट देते हैं तो आप 2 तक केवल अंडू कर सकते हैं, उसके बाद अंडू नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले के लिए दे रहा है। डिस्प्ले में आप चेंज कर सकते हैं, वैसे तो इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। जूम है और स्क्रॉल है, तो बस यही है, जूम स्क्रॉल, और इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन जब आप कोई अपर वर्जन यूज करते हैं तो उसमें आपको ये इसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए मिल जाता है, तो आप उसको कर सकते हैं। एडिट, एडिट में थोड़ी एडिट की सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पर मिल जाता है आपको ड्रॉन पोजीशन, मैक्सिमम एक्सट्रूड, इसमें कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। और पावर क्लिप, इसमें ये आप सेटिंग कर सकती हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इनको आप चेंज कर सकते हैं कोई भी। डायनामिक गाइडलाइन है, आप गाइडलाइन कितना कैसे आए, कितना डिग्री इस पे आए, और इसकी आप देख रहे होंगे कि जो कितना दिखता है उसके बीच अगर 2 स्पेस आते हैं, मान के चलिए अगर मैं कोई गाइडलाइन यहाँ से लेता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पर आप अभी मैं जूम कर दूँ तो ये तो उतना ही रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्पेस ये कितना आ रहा है, तो इसको अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप आ करके स्पेस चेंज कर सकते हैं। और ग्रिड्स वगैरह का यहाँ पर मिल रहा है आपको थिक स्पेस, थिक मतलब कितना दूर रहेगा उसका स्पेस करने के लिए, और कितने डिग्री में कैसे है, ये सारी सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अलाइनमेंट गाइडलाइन, गाइडलाइन को भी हम लोग करते हैं। गाइडलाइन में अभी देखो ये नॉर्मल कलर ये दिखता है, अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और भी यहाँ पर ना, जैसे अगर मान के चलो मैं सेव पर आता हूँ, तो सेव करने के लिए अभी इसमें क्या दिख रहा है कि स्पेसिफिक फोल्डर, ये एक्चुअली किस लिए होता है, ये ऑटो बैकअप का है। ऑटो बैकअप क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो आ चुकी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ऑटो बैकअप, जैसे हम लोग कोरल ड्रॉ पर काम करते हैं कुछ, तो काम करने के बाद ये, और अब आप सेव करते हैं वो तो सेव होता ही है, उसके साथ साथ एक और ये कॉपी कर देता है। मान के चलिए ये कोई सडनली क्लोज हो जाता है या करप्ट हो जाता है या वर्किंग करना बंद कर देता है, तो ये क्या करेगा, ये बैकअप के तौर पर आपकी फाइल को सेव कर देगा, तो वहाँ से आप लोग जा करके इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे अभी मैंने पाथ दिया है यहाँ पर ई में, और ई में CD बैकअप के नाम से इस फाइल है जो उसमें ये सेव होगा, तो वहाँ पर मैंने करा है। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर चेक कर देंगे तो ये फिर ऑटो बैकअप सेव नहीं करेगा, तो यहाँ से आप करके रखिए क्योंकि कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पर आप टाइमिंग दे सकते हैं कि कितने टाइम में ये सेव हो, तो कुछ भी आप दे सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ टूल बॉक्स पर, तो यहाँ पर आप टूल बॉक्स की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। इसको मैं एक्चुअली इसको रहना ही दे गए, और टूल बॉक्स की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर प्लस पर करता हूँ, तो यहाँ पर टूल बॉक्स ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि इरेजर टूल, इरेजर टूल का जो थिकनेस है उसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नाइफ टूल है, तो नाइफ टूल में क्या कह रहा है, ऑटोमेटिकली क्लोज सेव, ये अपने आप क्लोज सेव कर देता है। और अगर हम लोग करें कि लीव एन ऑब्जेक्ट, तो ये सेव नहीं करेगा, ऑटोमेटिक सेव नहीं करेगा। और भी आप बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप खुद से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रेक्टेंगल किस तरह से आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा साइज, वो है। और जूम पेन के लिए कि जूम, अगर हम लोग जूम इन जूम आउट करते हैं तो कितने रेशियो में हो, यहाँ पर दिख रहा है बंद सेमी कॉलम बंद, तो यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और मैं इसको कम करता हूँ, कम करने के बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग कस्टोमाइज पर। कस्टोमाइज में क्या है, कस्टोमाइज में भी हमें मिल जाता है कमांड बार, ये कमांड बार है बहुत सारी, ये मेनू बार तो है ही, अभी मेनू बार मैंने ऑफ करके रखा है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ और ओके करूँ मैं, तो ओके करने के बाद यहाँ पर फाइल एडिट व्यू लेआउट, ये ओरिजिनल मेनू बार है, लेकिन ये शो नहीं कर रही थी इसलिए मैंने ये अलग से मेनू बार बनाई है। ये कैसे बनाते हैं इस पर भी एक वीडियो आ चुकी है, तो वो भी आप देख सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में। यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है। और अगर मैं मेनू बार को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर कौन सी बार है, यहाँ पर टूल बॉक्स शायद मुझे लगता है ये वाली, हाँ ये देखो अभी मैंने इसको ऑफ करा तो ये ऑफ हो चुकी है। और अगर मैं दोबारा से क्लिक करूँ तो ये
फिर से बनी हुई है, तो इस तरह से बना सकते हैं। और अगर मैं इसको ऑफ करूं तो इसमें क्या करा था मैंने, यहां पर टेक्स्ट टू, ये एक्चुअली क्या है इसका नाम, ट्रीट एज फिल, ये ट्रीट एज फिल है। ट्रीट एज फिल क्या होता है कि मान के चलिए आप कोई सेप बनाते हैं और वो सेप के अंदर अगर आप जैसे आप क्लिक करते हैं, इस पर भी वैसे एक वीडियो आ चुकी है, वीडियो बहुत सारी बना चुका हूँ मैं कोरल ड्रॉ पर। अभी देखो मैं बीच में क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसको सिलेक्ट कर रहा है, इसमें अभी कोई फिल नहीं है फिर भी ये सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूं और अब भी मैं पकड़ूं तो ये देखो सिलेक्ट नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा या फिर मुझे इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली इस तरह से सिलेक्ट करके और फिर मूव करना पड़ेगा। मूव भी यहाँ से करेंगे तो मूव भी नहीं होगा, अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसको मूव कर सकते हैं। तो इस पर भी कैसे ऑप्शन इनेबल करते हैं इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ कमांड पर तो यहाँ पर आपको कमांड्स मिल जाती हैं, यहाँ से आपको ट्रीटेड फिल मिल जाएगा, आप उसको पकड़ के रख सकते हैं। जब मान के चलिए ट्रीटेड फिल ही है और इसको मैं पकड़ के यहाँ रख दूँ तो यहाँ पर ये आ चुका है, और इसमें हम रख देंगे तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग शॉर्टकट की अगर सेट करना चाहें, मान के चलिए फाइल है, फाइल के लिए हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट की कोई आसान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई भी देंगे, जैसे मान के चलिए मैंने दे दिया, यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ, ए स्पायरल के लिए एक्चुअली पहले से ही असाइन है, ये मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर दिख रहा है कि करंटली असाइन टू, ये स्पायरल के लिए असाइन है, अगर हम ए प्रेस करेंगे तो ये वो हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ बन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल बन भी ग्रुप के लिए है, तो जो आप नहीं है उसको आप लोग असाइन कर सकते हैं, कोई भी आप लोग की दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं दे देता हूँ कंट्रोल अल्ट और डिलीट, ये किस एक्चुअली ओ सॉरी, ये तो एक्चुअली उसमें चला रहे हैं ना विंडो 10, तो कंट्रोल अल्ट डिलीट से हम लोग वापस चले जाते हैं, कभी आपका सिस्टम हैंग वगैरह हो जाता है तो इसके लिए आप लोग कंट्रोल अल्ट और डिलीट करिएगा, और डिलीट करने के बाद आप स्विच करके और स्लीप करके या फिर दोबारा से ऑन कर सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज होता है। और मैं दे देता हूँ कुछ ना कुछ, तो मैं दे देता हूँ, मैं करता हूँ अल्ट और डिलीट कर देता हूँ, अल्ट और डिलीट किसी के लिए भी कुछ भी असाइन नहीं है। अगर मैं असाइन कर दूँ तो इसमें अल्ट और डिलीट हो चुका है फाइल के लिए। अगर मैं ओके करूँ और ओके करने के बाद अगर मैं अल्ट और डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर फाइल मेनू ये ओपन हो चुकी है, आप देख रहे होंगे कि ये इधर आ चुकी है। तो ये फाइल या तो हम लोग यहाँ से करें क्लिक, और बकाया हम लोगों ने यहाँ पर फाइल के लिए अल्ट और डिलीट दिया है शॉर्टकट, तो ये अल्ट और डिलीट से भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं। और अगर कोई आप लोगों ने गलत की असाइन कर दिया, कुछ भी हो चुका है, तो इसके लिए आप लोग यहां पर आएंगे शॉर्टकट की, और यहां पर सॉरी शॉर्टकट की में आएंगे और किसी पर भी आप करें, जैसे मैंने यहां पर करा, मैंने दिया था फाइल के लिए, ठीक है, तो फाइल के लिए यहां पर अल्ट डिलीट है, और बी वाल करेंगे, बी वाल करने के बाद यहां पर आपको मिल भी जाएंगी कि किसके लिए कौन सी की असाइन है, यहां पर आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि किसके लिए कौन सी की असाइन है, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और कमांड पैलेट एप्लीकेशन विंडो, और इसको मैं एक काम करता हूँ बंद कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आते हैं अगर हम लोग डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में जनरल सेटिंग है, जनरल क्या है कि जब आप प्रेफरेंस करते हैं ये किस मूड में रहे आपका, अभी ये इन्हेंस में है, तो इन्हेंस में जब आप कोरल ड्रो डायरेक्ट ओपन करते हैं तो किस मूड में ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहे, इन्हेंस ही आप करिए क्योंकि इन्हेंस सबसे सही होता है, तो आप इन्हेंस करें। और इसके बाद अगर पेज साइज की करें तो पेज साइज की यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग डिफॉल्ट साइज की कितना आए, अभी A4 है, A4 मैंने सिलेक्ट करा, वैसे लेटर रहता है लेकिन मैंने डायरेक्ट A4 सिलेक्ट करके रखा है। हाइट विड्थ भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, लेआउट की भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ पर, वैसे इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। और लेवल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप लोग कलर कोई सेट करना चाहते हैं कि मान के चलिए ये जो है इसमें हमें कोई कलर यूज करना है, अभी तो नो बैकग्राउंड है, मैं सॉलिड ले लेता हूँ और मान के चलिए मैं ये कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये कलर आ चुका है। वैसे मैंने आपको ये बताया था लेआउट में, जब मैंने लेआउट पढ़ाया था लेआउट में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप कोई इसके पीछे कोई इमेजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइडलाइन, गाइडलाइन की आप कर सकते हैं, गाइडलाइन जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर ये कलर आता है बाई डिफ़ॉल्ट, अगर हम लोग इसको चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद गाइड, तो गाइड के भी हम सेम वही करते हैं, ग्रिड्स में अगर हम लोग करें हॉरिजेंटल वर्टिकल कितना चाहिए है तो इसकी भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, रूलर की भी हम लोग कर सकते हैं कि कितना रहे, किस तरह से ये करे, तो और इसमें सारी सेटिंग्स है सेव करने के लिए, जब हम लोग सेव करते हैं तो सेव किस फॉर्मेट में होगा, क्या है वो बाई डिफ़ॉल्ट, ये सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इन सबको हम लोग अगर चेंज
चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और अगर देखो यहाँ पर कलर है डिफ़ॉल्ट स्पॉट कलर पैलेट की, कौन सी पैलेट ले, तो यहाँ पर पेंटोन सॉलिड लिया है। जो भी आप वैसे यहाँ पर आपको छिड़खानी ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है, और कभी अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तब आप इसको करें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टूल्स पर आ जाता हूँ और अगर कुछ भी आपको गड़बड़ हो चुका है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर आएंगे कस्टमाइजेशन में। क्या है कस्टमाइजेशन, वही है जो अभी मैं बता रहा था आपको। कस्टमाइजेशन वर्क स्पेस में आते हैं, टूल बॉक्स में, यहाँ पर कस्टमाइजेशन है। तो ये सारे ऑप्शन है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और बहुत सारी वीडियो भी इस पर बनी हुई हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में आप जाएंगे तो उस पर मैंने बना के रखी है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बकाया अगर कोई भी गड़बड़ हो चुकी है तो हम लोग करते हैं सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट। सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट करेंगे तो जो बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है वही सेटिंग ये कर देगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कलर मैनेजमेंट, कलर मैनेजमेंट में कुछ नहीं है खास। वैसे अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये दिखाता है कि RGB में आप चेंज करें और CMYK के ग्रे स्टाइल। इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होता है, आप जितना ही है उतना ही रहने दें, इसमें कुछ खास चेंजेस ना ही करें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, इसमें खास कुछ बताने के लिए है नहीं वैसे। कलर अगर प्रूफ कलर करें तो प्रूफ कलर के लिए, और कलर प्रूफ सेटिंग तो ये भी सेम कलर की सेटिंग्स करने के लिए है, तो सेटिंग्स ज़्यादातर करना नहीं रहता है, कलर हमें यहाँ से मिल जाता है। और मान के चलिए यहाँ पर अभी ये कलर दिख रहा है आपको, तो कलर वैसे मैं बता चुका हूँ, अभी विंडो मेनू आएगी जो उसमें मैं बताऊँगा। और यहाँ पर अगर जैसे आपको देखना है रो, 3 रो कर देंगे तो ये 3 रो देखेगा। और यहाँ पर अभी CMYK के है, तो CMYK के साथ साथ अगर आप कोई और भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर के आप चेक कर दें। जैसे मैं RGB भी चेक कर देता हूँ, तो यहाँ पर RGB भी आ रहा है। इसको भी अगर हमें शो करना है रो करेंगे, 3 रो कर देंगे तो यहाँ पर कलर पैलेट पूरी खुल जाएगी। अब आपको अगर कोई भी कलर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको यहाँ से चूज करने में बहुत ही आसानी होगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करें हम लोग अंडू की, सॉरी यहाँ पर हो गया और ऑब्जेक्ट मैनेजर। अब ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या होता है, मान के चलिए हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं 1 2 शेप, तो यहाँ पर आपको ये शो करता है कि आप लोगों ने क्या करा है। यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, रेक्टेंगल ये हुआ है। और अगर हम लोग इसको चाहें हाइड करना तो ये हाइड हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर है ये, लेकिन ये हाइड है, और यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग इसको चाहें लॉक करना तो लॉक कर देंगे, अगर तो लॉक करने के बाद अगर आप हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे कुछ भी करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। ये पूरी की पूरा पेज को ही लॉक कर दिया है। और अगर हम लोग कुछ और ड्रॉ करें, मान के चलिए तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑपरेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, द एक्टिव लेयर लॉक लेयर वन इज लॉक्ड टू इनविजिबल, और लॉक है तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। और अगर हम लोग काम करना चाहते हैं, ये अभी आप देख रहे होंगे ये लेयर वन है, अगर हम लोग एक और लेयर ले लेते हैं, यहाँ पर आएंगे देखो कहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेयर टू आ चुका है। अब हम लोग लेयर टू में कुछ ड्रॉ करते हैं, तो अभी ये ड्रॉ हो जाएगा, तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये ड्रॉ हो चुका है। अब आपको कैसे पता कैसे चलेगा, एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि रेक्टेंगल ऑन लेयर टू, लेयर टू में एक रेक्टेंगल बना है, और इसमें देखो कलर फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा। इसका अगर आप लोग नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करने के बाद अगर मैं कर देता हूँ AB, तो AB हो चुका है, अब इसका नाम भी चेंज हो चुका है। अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा AB ऑन लेयर टू, ठीक है। इसको अगर हम लोग चाहें तो पीछे और वो भी कर सकते हैं, मान के चलिए इसको मैं पहले अनहाइड कर देता हूँ, एक्चुअली ये हाइड है, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने लॉक करा था। और इसमें कोई कलर, ये कलर फिल है, ठीक है, और इसमें ये कलर फिल है। अब हम लोग इसको ऊपर नीचे लाना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मान के चलिए ये पीछे आ रहा है, तो इसको अगर हम इसके ऊपर चाहिए तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ऊपर ले आएंगे। तो एक्चुअली क्या करा मैंने, लेयर वन प्लस कर देता हूँ और इसको मैं उठा करके ऊपर ले आता हूँ। ऊपर ले आएंगे तो ये देख रहे हैं आप ऊपर आ चुका है। अगर हम लोग इसको लेयर टू में भी ले जाना चाहें तो टू में भी हम लोग इसको ले जा सकते हैं। मैं प्लस करूँगा और इसको मैं लेयर टू में ले आता हूँ, तो अभी आप देख रहे होंगे लेयर टू में आ गया। इसके व्यू ऊपर चाहिए तो ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ऐसे ले आ सकते हैं। बकाया आप लोग ऑर्डर करके भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लेयर है, और ये मास्टर लेयर क्या है, मास्टर लेयर में अगर हम लोग जैसे कुछ ड्रॉ करते हैं तो मास्टर लेयर में जो भी ड्रॉ होगा, मान के चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑपरेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, द एक्टिव लेयर डॉक्यूमेंट ग्रिज इज लॉक टू अनविजिबल, ये पहले से लॉक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले अनलॉक कर देता हूँ और इसको भी मैं अनलॉक कर देता हूँ, ये ठीक है। और इसमें मैं एक कुछ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहेंगे इलिप्स और गाइडलाइन,
इस पर मास्टर लेयर है, इस पर ड्रॉ करा है। अब इसके बाद अगर जैसे मान के चलिए मैं अगर पेज भी दूसरा ले लेता हूँ, तो देखो इस पेज में भी ये ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं इसमें आता हूँ तो इसमें तो ये है ही, इसके साथ साथ अगर मैं दूसरे पेज में आता हूँ तो उसमें भी ये। क्यों? क्योंकि ये उसमें मास्टर पेज में है, ये सारे के सारे जितने भी पेज होंगे उसमें भी ये काम करेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेज टू में, यहाँ पर लेयर वन है, इसमें भी ये आएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग इसमें, और तो कुछ है नहीं वैसे इस पर, है और भी लेकिन ज़्यादा यूजेबल नहीं है, जितना है उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर आते हैं हम लोग अंडू, अंडू इसमें अंडू लेवल दिखाता है कि हम लोगों ने कितना अंडू करा है, क्या क्या हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर सारा सब कुछ आपको दिखा रहा है, आप लोग क्लिक करके और डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अंडू के लिए है। और इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अंडू हो चुका है। कलर स्टाइल, कलर स्टाइल में कुछ खास है नहीं यहाँ पर, वैसे आप कलर बना सकते हैं खुद का कलर अगर आपको बनाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू कलर स्टाइल पर करेंगे तो यहाँ पर ये कलर स्टाइल बन जाएगी। और इसमें आपको कलर कोई भी ऐड करना है तो कलर ऐड भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बता रहा है ड्रैग कलर टू स्टाइल, ये कलर मैंने पकड़ा और यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो ये कलर भी आ चुका है। और इसमें न्यू कलर, वैसे इसका कुछ खास ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कलर मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई कलर हमें चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मिल जाता है हमें पैलेट एडिटर। पैलेट एडिटर में हम लोग ज़रूर यहाँ पर चेंज करते हैं। यहाँ पर चेंज क्या करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर कोई कलर आ रहा है, वैसे तो चेंज खुद नहीं करना रहता है क्योंकि सही कलर सब क्रम में दिए रहते हैं और सही भी रहता है। और अगर मैं जैसे इसको चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर मुझे मान के चलिए ये इतने कलर आ रहे हैं लेकिन मुझे एक और चाहिए इसमें, तो इसमें हम लोग अगर इसका मान के चलिए ये कलर है, इसका मुझे एक लाइट चलिए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आकर के और इसका मैं एक लाइट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ऐड कलर करेंगे, ऐड कलर करने के बाद यहाँ पर इसी का मैं मॉडल्स में जा कर के और इसका एक लाइट बना लेता हूँ, इतना लाइट, ओके। और ओके करूँगा तो ओके करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली पहले से बता रहा है कि ये लाइट कलर ऐड है। ज़्यादातर जो भी कलर होते हैं इसमें ऐड होते ही हैं, तो आप उनको कर सकते हैं, जो नहीं है उनको ऐड कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो कलर को आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और तो कुछ खास है नहीं, जो आपको बताने लायक को जो था मैंने ये बता दिया। इसमें केवल केवल ऑप्शन और सेव एज डिफॉल्ट केवल यही ज़्यादातर यूज करते हैं और बकाया इसमें यूज नहीं करते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट मैनेजर ये भी इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट है, और बकाया सेव डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट सेटिंग के लिए। और तो इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।